हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। सो टुडे इज संडे एंड आज सुबह हम निकल रहे हैं कसौली के लिए। तो आज सुबह हम निकल रहे हैं कसौली के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7। तो मैं अपने कजिन के पास जा रहा हूँ, तो अब भी वहाँ से मैं उसको पिक करूँगा। आई मीन हम दोनों इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम निकलेंगे फिर कसौली के लिए। और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बस रेडी होके। तो लेट्स गो। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ इधर अपने भाई के होटल के पास। तो उसको मैंने कॉल कर दिया, ही इज़ कमिंग। तो उसके बाद हम निकलते हैं, देखते हैं क्या पहना, कुछ खाने। मेरे को तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा, कल रात को भी इतना खाया नहीं था तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो साथ साथ में पहले मे भी खाने चलेंगे कुछ अगर मिलेगा, वरना तो ऐसे निकलेंगे। यहाँ पे आर्ट सेक्टर में आया था मैं भाई, बालों की क्या मदर सिस्टर हो रखी है भाई, ख़त्म हो जाते हैं बाल हेलमेट के बाद तो। सो यार दैट्स इट, देखते हैं अब क्या बनता है सीन आगे का। तो जैसे भी होगा अब हम ऑलमोस्ट निकलेंगे नाश्ता वास्ता करके, आगे देखते हैं। सो तब तक के लिए शायद अब हमारा टाइम हो गया निकलने का, रेडी ऑल सेट। रास्ता खड़ा हो रहा, चेकआउट कर लिया हमने और अब हम निकलेंगे। गोपुर रेलवे के पास है। हाँ चलो चलो, ओके बाय। तो गाइस हम बस पहुंचने वाले हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए रुके थे गाइस। द वेदर एंड द व्यू इज सो अमेजिंग, यू जस्ट इग्नोर माय हेयर्स बट जस्ट लुक एट द व्यू। कसौली यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर दिखा रहा था अभी पीछे, वो पत्थर से भी लिखा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम, आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड कसौली। बाइक कर दिया हमने पार्क और हम ऊपर सनसेट पॉइंट बोल रहा था कोई बंदा, कह रहे ऊपर सनसेट पॉइंट है वो जाके देखो। तो हम अभी सनसेट पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो इस टाइम ना ही तो सनसेट हो रहा है ना ही हो रहा है सनराइज, तो हम जस्ट व्यू देखने जा रहे हैं। उसने बोला था सनसेट व्यू है। गाइस हम यहाँ सनसेट व्यू देखने आए थे तो माथा की चढ़ाई निकली, सांस फूल गया और ऊपर से एकदम खड़ी सीढ़ आई है। मौसम ठीक है बट फिर भी पसीने आ रहे हैं। गाइस मंजिल दिख रही है, इधर नहीं है अभी, नहीं है बहुत दूर है। मैं खुश हो गया था, मैं मंजिल दिख रही है। ये वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी जैसा फील हो रहा है क्या, बस आधा रास्ता वो ना ना कोई चक्कर नहीं मेरे लोग जिंदगी शक्ल पा जरूर। हम मेरे ख्याल से बाइक पे आ सकते थे ऊपर, बट हमने बाइक नीचे लगा दिया। हमने कहा चलो
पता भी नहीं था पुलिस वाले पीछे आ रहे हैं, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। ओह माय गॉड, चपत लगेंगी। इससे बढ़िया कीप योर मास्क ऑन। व्यू देख लो गाइस, व्यू नहीं हार लो, ये मंकी को भी नहीं हार लो। भैया ऐसी जगह पे घर होना बंदे का, व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ। नो पार्किंग, 2500 रुपये फाइन। ओ वाओ, टेनिस कोर्ट, ये सही है, दो दो टेनिस कोर्ट है यहाँ पे। लाइक यू कैन सी गाइस, सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा फ्लैट सा एरिया आ गया, बहुत आ गया क्या अभी, प्लेन एरिया है। हम पहुँचेंगे कहाँ पे, वहाँ से होगा क्या? मुझे जगह बना रखी है ऐसे गोल सा, वो फोटो खींची जा सकती है, बस वही चाहिए। हमारा मन ये था कि मैं सोच के आया था, क्योंकि मेन ना उसी की दिखाई हुई थी फोटोज़ वगैरह, जैसे गूगल मैप्स में हम जो देखते हैं ना, तो चर्च वगैरह की फ़ोटो दिखाई हुई थी, बट नीचे वही कोरोना की वजह से चर्च लॉकड है और वहाँ पे हम जा नहीं पाए, वहाँ पे फ़ोटो नहीं खिंचा पाए। बट चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, फिर ठुल्ले हैं आगे। ठुल्लों से सुरक्षा हमारा कर्तव्य। So guys, as you can see, the view and the weather. मैं हर दो लाइनों बाद यही लाइन बोल रहा हूँ, but honestly, ऐसा है। गाइज रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा गाइज, बट ठीक है यार, मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। देख लो एक बजा हुआ है, बट कोहरा फैला हुआ है यहाँ पे, वो दिख नहीं रहोगे। देखो ये वाला पहाड़ दिख रहा है ना, ये वाला, बट इधर ये धुंध है लिटरली। वो उस जगह पे यहाँ से रास्ता जाएगा घूमता। So guys, finally we have reached Paramveer Chakra Awards Anjera Sunset Point, जहाँ पे बहुत रश पड़ा हुआ है। Guys, sunset view दिखाते हैं आपको, जो कि कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, इतना कोहरा, बट यही है जो है भाई, रश देख रहे हो हैं? ये आए हैं भाई, ये बच्चे झूले झूल रहे हैं। ये है गाइस व्यू, बहुत ज्यादा ना वो लाल कलर दिख रहा है, बैठे चौके हवा बहुत मस्त चल रही है। रश देख लो भाई, रश कितना ज़्यादा बड़ा हुआ ना।
गाइस सनसेट व्यू को अलविदा करते हुए हम निकल रहे हैं वापसी के लिए। बहुत देर बैठे रहे हम नीचे, मौसम बहुत अच्छा था, व्यू भी बहुत अच्छा था, बट कैमरे में इतना आ नहीं रहा था क्योंकि धुंध वगैरह बहुत हो रही थी। क्या बादल आ रखे हैं नीचे, बादल धुंध एक ही बात है, बहुत फर्क है। चलो देख नहीं रहा था, अल्टीमेटली देख नहीं रहा था कुछ, तो हमने बैठ के बस माहौल का मजे लिए। तो अब जा रहे हैं खाने पीने, फ़ोन हो गया मेरा बहुत कम, बैटरी इसकी हो गई बहुत कम, तो अब मिलते हैं कुछ खाने पीने जाएंगे नीचे माल रोड पे। तो गाइस वी आर बैक टूवर्ड्स होम। तो फिलहाल हम थोड़ी देर पेट्रोल पंप पे आए थे, वही रेलवे का पेट्रोल पंप गया था पेट्रोल डलवाने के लिए। ये बाइक खड़े हुए हैं और रेलवे वॉशरूम करने गया, वो आ गया उधर से। तो अब हम निकलेंगे, खाने पीने का बंदोबस्त हो नहीं पाया ज़्यादा, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाया। खाने पीने के लिए हमने बस थोड़ा बहुत वही मोमोज वगैरह मिल रहे थे वही खाया, उसी से थोड़ा बहुत पानी पुनी पी के पेट भर लिया। अब घर पहुँच के देखते हैं क्या बनता है। पसीना भाई, पसीनों पसीनी हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं घर पे जाके, डेड सीन। मेरी बाइक ने तो एवरेज बहुत सही दी है, मैं 500 का पेट्रोल डलवाया था, पूरा ट्रिप अप डाउन हो गया लाइक 300 किलोमीटर। अभी मेरी दो डंडियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें दिन सी कहाँ डंडियाँ, एक दिख रही है अभी बट दो है। तो चलो अब निकलते हैं घर को, पैर पर सीधे कर लिए, अब सीधा अगला स्टॉप लुधियाना। सो गाइस फाइनली द ट्रिप इज़ ओवर, आई एम बैक एट होम, फ्रेशन अप हो चुका हूँ, खाना वाना भी थोड़ा बहुत खा लिया है, पेट पूजा सब कुछ डन, बाइक हो गया पार्क। और अब इस वीडियो करते हैं एंड, अब मैं करूँगा सारा एडिटिंग एंड ऑल, जितने में से हो जाएगी, फर्स्ट व्लॉग है। तो डू सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस, बाय बाय। सो गाइस फाइनली द ट्रिप इज़ ओवर, अब इस वीडियो करते हैं एंड, अब मैं करूँगा सारा एडिटिंग एंड ऑल, जितने में से हो जाएगी, फर्स्ट व्लॉग है। तो डू सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब। सो अब मैं करूँगा एडिटिंग, तो इसके बाद जैसा भी होगा, जो भी होगा। हग दिया, खत्म, बाय बाय।